हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पे। बस अभी टाइम जो है बिल्कुल लिमिटेड है मेरे पास, क्योंकि अब मैं कल ही जाने वाली हूँ दिल्ली से, तो इसलिए आज का जो ब्लॉग है ना, शायद इसको आप लास्ट मेरे घर में, इस ब्लॉग को लास्ट आप बोल सकते हो दिल्ली के घर में, क्योंकि कल जो है ना हमारी ट्रेन है और हम सुबह ही 11:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 खास है, और सच में कल रात को मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई, क्योंकि एक घर में 4.5 साल रहना बहुत कम नहीं होता। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इस घर ने स्पेशली मुझे बहुत कुछ दिया है। आपको लगता है सारी खुशियाँ हमें इस घर में आके मिली हैं, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। तो लेकिन अल्टीमेटली टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है हमारे इस घर में रहने का, अब चलते हैं दूसरी जगह, तो आपको भी लेकर चलेंगे वहाँ पर। और अभी तो फिलहाल दिल्ली में 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, या तो पूरी रात हो रही है, नहीं तो सुबह से जो बारिश चालू होगा ना वो 10-12 बजे तक कंटिन्यू हो रही है, और इसलिए ना काम जो है ना लेट शुरू हो रहा है। और अभी तो कल मैं गई थी गैस ऑफिस में और सिलेंडर जो है मैं जमा करके आ गई, ट्रांसफ़र हो गया है भटिंडा के लिए सिलेंडर, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ क्लोज़ हो चुका है। थोड़ा बहुत शॉपिंग बाकी था वो मैंने कर लिया है 2-4 दिनों में, और जाने से पहले इतना तो हो ही जाता है, क्योंकि अभी नया जगह जा रहे हैं तो पता नहीं कब निकल पाऊंगी वहाँ से, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो सामान चाहिए था ना वो मैं लेकर आ गई हूँ। बस मैंने बिस्तर जो है वो सही कर लिया है, और अभी घर में झाड़ू पोछा आज लास्ट के दिन है, क्योंकि कल तो होगा नहीं, कल सुबह इतना क्लोजिंग करते करते थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। और वैसे भी जब मुझे लगता है ना कि हमें लगता है कि टाइम जो अच्छा टाइम है ना उसको रोक दे, तो वैसे तो खैर होता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस टाइम थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए, तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ अभी एक दिन जो है ना मुझे फिर से मिल जाए, जो अभी होगा। वैसे ये पावर भी हमें अगर भगवान जी दे देते ना, तो हम सब कुछ सभी चीज़ों को रोक देते हैं ना, तो कुछ चीज़ भगवान के पास ही रहे, वही में ही सबकी भलाई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़ा जो है ना मेरा था, सौजन्या का था, तो छाँट के रखा था मैंने देने के लिए, लेकिन कूड़े वाला अभी बारिश की वजह से ना 2-3 दिन नहीं आ रहा था, तो मैं अभी इसको बांध के अलग से रख दूँगी, ताकि अगर वो आज नहीं आएगा तो कल आंटी मेरे जाने के बाद भी दे सके। जाने के टाइम ना मुझे याद नहीं रहेगा, ये पर्दा भी खोल के ब्यूटी को देना है। कल मैं पापिया को, ब्यूटी को, दोनों को ही बोली हूँ जल्दी आने के लिए, क्योंकि जाने के टाइम ना बिल्कुल याद नहीं रहेगा मुझे, और कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाऊँगी। वैसे तो मैंने सबका बर्तन जो है वो अलग करके रख दिया है, आंटी का था, ब्यूटी का था, पापिया का था, तीनों का बर्तन अलग करके रख दिया है। लड्डू की मम्मी का, मतलब दीदी का जो ओवन था वो भी मैं देकर आ चुकी हूँ। तो चलिए ऑलमोस्ट सभी काम तो थोड़ा बहुत बाकी तो रहेगा जाने के टाइम, जो जाने के टाइम होगा ना वो वही टाइम पर ही होगा। घर का ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो चुका है, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, और ये जो साड़ी है ना मैंने मिंत्रा पे ऑर्डर दिया था, तो ये जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसकी क्वालिटी। वैसे मैं मुझे साड़ी पहनना तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ना शिफॉन की साड़ी जो है ना वो बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, लेकिन ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा साड़ी कैसा लगा। वैसे मैं साड़ी की तरफ से बोलूँ तो साड़ी का जो मटेरियल है ना शिफॉन है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल इतनू सा हो जाता है मतलब फोल्ड करने के बाद। और इसका साड़ी का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ब्लाउज़ का भी दे दूँगी, दोनों ही मैंने मिंत्रा से लिया है।
सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ है, अभी भी बारिश कंटिन्यूसली चल रही है और ऐसा नहीं कि तेज हो जाए तो एकदम से बंद हो जाए, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। और वही, और ये मनी प्लांट देखिए मेरी हाइट का हो गया, नीचे तक आ गया है। और मैं सोच रही थी ना जाने से पहले मनी प्लांट लेकर जाऊँगी यहाँ से। देखिए मिंत्रा की बात करते करते मिंत्रा की डिलीवरी भी आ चुकी है। तो वैसे तो ये सामान मेरा नहीं है, ये ऊपर चिंकी का है और मैं अभी देकर भी आऊँगी। साथ में आंटी ने बनाया है राजमा, वो भी आशु का फेवरेट है। आशु मतलब मेरी बेटी का नाम आंटी बुलाती है आशु, तो आंटी से ले लूँगी। और साथ में थोड़ा सा दही भी ले लूँगी क्योंकि दही खाने के ना 2 दिन से मन भी हो रहा है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि शुमोना तो खाना ही नहीं बनाती है, एक्चुअल में जब से मेरा सामान गया है ना तो खाना बनाने का ना मेरी ज़रूरत कम ही पड़ रही है। मतलब कहीं आंटी दे रही है, नहीं तो ब्यूटी, नहीं तो पापिया, कोई ना खाना बनाने से पहले ही मेरा जो खाना है ना वो हाजिर हो रहा है। लेकिन यही आदत ना मुझे अभी भारी भी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ना खाना तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन जो होगा तब देखा जाएगा। अभी मैं थोड़ा बहुत सामान जो छूट गया है उसकी लिस्ट बना लूं, सामान जो है मैं दुकान से लेकर आऊँगी क्योंकि कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, सब कुछ आज ही करना है। बाद आपसे मैं मिल रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए बाहर, और कहाँ जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता एक्चुअल में, क्योंकि अंकल सरप्राइज़ देंगे तो जाने के बाद पता चलेगा वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। भूत की तरह देखा है हम लोग, काले काले भूत। हाँ, हाँ। रोशनी आएंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं पता था, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। सीपी कनॉट प्लेस जो अभी तक 3.5 साल हो गए हमें, हमने नहीं देखा। अंकल लेकर जा रहे हैं हमें दिखाने के लिए कनॉट प्लेस, दिल्ली की जान बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली की जान, दिल्ली के दिल घुमाने लेकर जा रहे हैं। दिल्ली का दिल वो है हमारी आंटी। आंटी पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और काफ़ी लंबा लाइन है। इतनी रात को मैंने इतनी लंबा लाइन पहली बार देख रही हूँ। ये अंकल और शिवांग खड़े हैं, ये आंटी खड़ी हुई है। बहुत दिनों बाद एक चीज़ मुझे दिखाई दिया, वो है मोगरे की फूल, मतलब बेल फूल की जो माला होता है ना जैस्मिन, तो उसकी माला है ये। और वैसे साउथ में जब थी ना मैं, तो वहाँ पर तो रेगुलर लगाने का कल्चर होता था और मैं भी लगाती थी वहाँ पर, लेकिन ये बहुत दिनों बाद मुझे दिखाई दिया और मैंने आंटी के बालों में लगा दिया है। देखिए कैसा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग स्पेशली जहाँ पर आए हैं ना वहाँ पर साउथ इंडियन स्पेशली है, तो इसलिए फूल भी मिल गया मुझे। और यहाँ का नाम जो है ना श्रवण भवन, तो एक्चुअल में मैं अगर गलत स्पेल कर रही हूँ तो सॉरी, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, इग्नोर मना कर देते हैं ना बहुत जगह। सर ये
चलो ढूंढो, चलो ढूंढते हैं। बहुत कुछ ऑप्शन है, बहुत बहुत ढेर सारी ऑप्शन, वहाँ पर भी चूज हो रहा है। यहाँ पर आंटी बैठी हुई है, जो आएंगे वही खाएंगे आंटियाँ। वैसे तो खाना यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन स्पेशली मैंने जो चूज़ किया था ना, वो थाली तमिल की स्पेशल था, और उसमें सारा कुछ मिला हुआ था, मीठा भी था और खट्टा बहुत ज़्यादा था, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन डोसा इडली के लिए बहुत बेस्ट जगह है, डोसा मैंने ट्राई किया था, सौजन्य का आया था, वहाँ से मैंने लिया था, तो वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन मेरा थाली जो है ना, मैं ख़त्म ही नहीं कर पाई, लास्ट में मेरे पास बहुत बचा था। चलिए, खाना पीना हो गया है और रेस्टोरेंट की जितनी भी लाइट थी ना, सारा ऑफ हो चुका है, हमारे तरफ भी और इस तरफ भी। देखिए, हमारे जाने के इंतज़ार हो रहा था, एक्चुअल में काफ़ी लेट हो गए हम सही में। और ये वाला देखिए, बिल्कुल अलग ही है डिज़ाइन। वैसे तो साउथ में पीतल जो है ना, स्टील पीतल बहुत शुभ माना जाता है, वैसे भी शुभ ही है, लेकिन वहाँ पर यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। फ़िलहाल निकलने से पहले हम लोग करेंगे फ़ोटोशूट, यहाँ पर वही चल रहा है एक्चुअल में, तो चलिए हम भी ज्वाइन करते हैं लास्ट फ़ोटोशूट सबके साथ। पूरा जगह जो है ना, अंधेरा हो गया, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 10:30। हम लोग अभी निकले हैं, वैसे तो रात में गाड़ियाँ काफ़ी चलती हैं दिल्ली में स्पेशली, और चलिए आने के टाइम अंकल लेकर आए थे, जाने के टाइम शिवांग लेकर जाएगा। अच्छा, मुझे बैठना है चिंकी, इतनी दूर ही है। अच्छा चलो, हम बैठे। तो चलिए, आज की इस खूबसूरत रात के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और दिल्ली में ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। आशा करूँगी आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत 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 पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी का प्यार मुझे चाहिए, आगे भी इस तरह से बनाए रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।